तो दोस्तों स्वागत है आपका बिल्कुल एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा अलग रहने वाला है। आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि भाई अगर पीयूसी सेंटर किसी को खोलना है तो कैसे खोला जा सकता है और एक कार का पीयूसी किस तरह से होता है। तो दोस्तों बस बने रहिएगा इस वीडियो में, आज आपको ढेर सारी जानकारी मिलने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अगर आप अपनी गाड़ी का पीयूसी नहीं करवाते हैं और पकड़े जाते हैं तो अच्छा खासा चलान हो सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा पीयूसी जरूर करवाइएगा। तो दोस्तों मैं 2-3 आरटीओ गया पर वहाँ पर मुझे वीडियो नहीं बनाने दिया गया और जब कारण पता चला तो आप भी हैरान रह जाएंगे। बहुत सारे पीयूसी सेंटर ऑफलाइन पीयूसी कर रहे हैं और मैं गया था दुर्ग छत्तीसगढ़ के आरटीओ के करीब जहाँ पर बहुत सारे पीयूसी सेंटर हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि भैया आप वीडियो ना बनाएं क्योंकि अगर वीडियो बन जाती तो उनकी पोल खुल जाती। अब ये ऑनलाइन और ऑफलाइन पीयूसी का क्या चक्कर है ये भी समझिए। अगर आप ऑफलाइन पीयूसी बनवाते हैं तो ये कभी आपको एम परिवहन के ऐप में दिखाई नहीं देगा कि आपकी गाड़ी का पीयूसी हुआ है। और मानकर चलिए कि अगर आप आउट ऑफ स्टेट जाते हैं और वहां पर किसी ने ऑनलाइन चेक कर लिया तो आपका पीयूसी शो ही नहीं होगा। लेकिन ऑनलाइन में आप कहीं भी चले जाएं, भारत में आप कहीं भी अपनी गाड़ी लेकर चले जाएं, आपका पीयूसी बकायदा दिखाई देगा। तो देखा जाए तो ऑफलाइन पीयूसी कराने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मुझे पता चला कि सेक्टर 6 भिलाई में एक बंदा है जो ऑनलाइन पीयूसी करता है और अब वहीं चलते हैं सीधा। तो दोस्तों अपन आ गए हैं एक वाहन प्रदूषण जांच केंद्र में। मैं आपको यहाँ का लोकेशन भी दे दूंगा और अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, भिलाई दुर्ग में रहते हैं, तो भूलकर भी ऑफलाइन पीयूसी ना करवाएं क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र जाएंगे या कहीं भी जाएंगे और अगर वेरीफाई हो गया तो भाई साहब पकड़े जाओगे, कोई दिक्कत कोई मतलब नहीं है, चलान भी भरना पड़ेगा। तो आइए आपको अब दिखाता हूँ कि पीयूसी होता कैसे है। तो सर जी ये क्या है? पॉल्यूशन चेक करते हैं पाइप लगा के, इसमें आपका इसमें आपका परसेंटेज पता चलता है कि कितना आ रहा है स्मोक डेंसिटी। बंद कर दूं गाड़ी? भाई ये अपनी गाड़ी की डिटेल्स आ चुकी हैं। आपका गाड़ी नंबर डालते इसमें पूरा आपका डिटेल आ जाता है। आपकी 25 अगस्त 2010 की गाड़ी है। जी जी भैया ये बताइएगा कि अगर कोई पीयूसी करवाना चाहता है जी, या पीयूसी सेंटर, पीयूसी खैर यहाँ तो आके करवा लेगा, लेकिन अगर कोई पीयूसी सेंटर खोलना चाहता है तो उसकी क्या प्रक्रिया है? पीयूसी सेंटर खोलने के लिए आपको सबसे पहले तो मशीन परचेज करना पड़ेगा जी, जो दिल्ली से होती है। हाँ जी। आपको ऑनलाइन सर्च मारोगे हाँ, तो आपको बहुत सारी मशीनें मिलती है। अच्छा। बल्कि आपको उसमें नेट में ये भी देखना है कि कौन कौन सी मशीनें जो ऑनलाइन अप्रूवल लेती है। ओके, जैसे ओके। हरिवील हो गया, एयरवाइजर हो गया हाँ, मानाटेक हो गया, ये सब मशीनें जो ऑनलाइन आपका लेता है, एक्सेप्ट करती है जी, जी। उसके बाद मेरा जो मशीन है हरिवील का मशीन है मेरा। ओके। आप उसके बाद मशीन परचेस करोगे, फिर आप जाके आरटीओ में अप्लाई करोगे। आपके पास कोई एक टेक्निकल फील्ड होना चाहिए हाँ। इलेक्ट्रिशियन मैकेनिकल कोई भी आपको, तभी आपको एक लाइसेंस अप्रूवल होगा। मतलब बीकॉम वाला नहीं मिल सकता? जी बीकॉम वाला आपको नहीं मिल सकता है। आईटीआई आप किए होंगे तो आपको 100% मिल जाएगा लाइसेंस। ओके ओके ओके। अच्छा जी सर ये बताइए तो मशीन कितने की आती है इसकी? मशीन आप पेट्रोल की लोगे हाँ। तो 150 पड़ेगा, दोनों मिला के आपको 3 लाख की मशीन पड़ेगी। 3 लाख? जी जी। ओह माय गॉड। आप उसमें आपको कीबोर्ड, मॉनिटर, वेबकैम सब चीज़ें देते हैं, सब मिलता है। सर इसमें आपका कमीशन कितना होता होगा? इसमें सिर्फ गवर्नमेंट को GST जाता है। ओके। अच्छा। और बाकी जो मशीन मेंटेनेंस चार्जेस है वो सब जाता है। अरे वाह बढ़िया। मतलब कोई भी अगर कोई बेरोजगार है जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री, आईटी की डिग्री है, आईटीआई की, तो ये काम कर सकते हैं? हाँ आराम से कर सकते हैं। बढ़िया है। फिर ये देखिए आपको ऑनलाइन पीयूसी सर्टिफिकेट किस तरह का होता है ये भी देख लीजिए। आपका QR कोड प्रिंट होके आता है आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेट। ओके। बिना QR कोड वाला आपका वो ऑफलाइन रहता है और इसमें सिग्नेचर की जरूरत नहीं लगता है। ओके, मतलब वो मान्य भी नहीं है अगर अगर यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिस इज पीयूसी सर्टिफिकेट सिस्टम जनरेट और नेशनल रजिस्ट्रेशन मोटर बाइसाइकिल एंड डज नॉट रिक्वायर एनी सिग्नेचर। ओके ओके ओके। मतलब सर ये अगर मैं कोई दूसरे स्टेट जाऊँ और कोई वहाँ पे ऑनलाइन वेरीफाई करे तो मेरा पीयूसी शो करेगा? आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, एम परिवहन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा। उसमें आप मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लोगे, फिर गाड़ी नंबर डाल के
आप उसमें चेक कर सकते हो कि आपका पीयूसी दिखा रहा है कि नहीं। ओके, उसमें आपका इंश्योरेंस, पीयूसी और रजिस्ट्रेशन कार्ड का ऑल डिटेल पूरा दिखाता है उसमें आपको। और ऑफलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है? जी जी, और ऑनलाइन में आपको बेनिफिट ये भी है कि आप BS4 BS6 को 1 ईयर के लिए मिलता है 80 रुपीज़ में। ओके ओके, 2 व्हीलर का 40 और 4 व्हीलर का 80 रुपीज़। ओके सर, थैंक्स अ लॉट, आपने अच्छी जानकारी दी। तो दोस्तों ये ब्लॉग इतना ही यहीं पे ख़त्म करते हैं। PUC कैसे होती है, अगर आप PUC सेंटर खोलना चाहते हैं तो किस तरह से आप PUC सेंटर खोल सकते हैं, इसकी सारी जानकारी स्पष्ट होगी। अगर कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछिएगा। और साथ ही इस ऑनलाइन PUC सेंटर का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप यहाँ आके ऑनलाइन PUC करवा सकते हैं। और कहीं पर भी ऑफलाइन PUC ना करवाएं, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। उम्मीद है आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।